सलमान खान जी के ऊपर जो गोली चलाई थी उसके बारे में? वो पकड़े भी गए हैं ना, दैट इज़ वेरी सैड। कि मैं बस एक ही हाथ जोड़ के बोलूँगी सलमान भाई को कि वो बालकनी में आके कभी ना खड़े। यू नो ईद में और त्योहारों में आते हैं ना, तो उनके फैंस के लिए है ना, मुझे लगता है कोई भी बड़ी होटल बुक करके वहाँ पर आ सकते हैं जहाँ सिक्योरिटी हो। सलमान भाई, शाहरुख खान, मैं इनको कहूँगी, जो लोग शाहरुख खान अपने छत पे चढ़ जाते हैं जाली वाली छत पे, सलमान भाई उनकी बैल्कनी में आते हैं तो वो ना आए। अभी सबको मालूम है कि हर ईद के दिन वो बैल्कनी में आते हैं भाई, तो भाई अभी वो बैल्कनी में मत आओ, क्योंकि बैल्कनी के बाहर ही उधर निशाना हो गया ना। अरे बाप रे, मैं बहुत रोई हूँ, बताया मुझे जब पता चला, बहुत रोई हूँ। मैं दुबई में थी तो भाई भाई से बालकनी में ना आए, बस सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि ईद के दिन, यू नो, और ईद के दिन वो बालकनी में आके खड़े रहते हैं। तो एक साल पहले से लोग षड्यंत्र रचाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए कोहिनूर से ज़्यादा सलमान खान ज़रूरी है इस देश के लिए, बिकॉज हमारे लेजेंड है। कोहिनूर लेकर आओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? हाँ, तुम लोग पैसे के भेजे भागते हो। नहीं, हम सलमान जी, हमें सुरक्षित चाहिए। मोदी जी को गुहार है कि सलमान जी को जेड क्लास, एक्स क्लास, वाई क्लास सारी सिक्योरिटी दे। आप कंगना को, कंगना रनावत को आपने इतनी सिक्योरिटी दी बिना मतलब के, उन्हें तो उनके पीछे तो कोई भी नहीं था। तो सलमान खान को मुझे लगता है कि बहुत ही सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो हमारे बॉलीवुड के लेजेंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और एक गरीबों के मसीहा भी है, यू नो। चलो बाय, यहाँ से कल्टीज करूँ क्या? पीछे पीछे जाना है यार। क्यों, तुझे मेरे पीछे का कैमरा लेना है क्या? समझ आ गई। राखी जी जा रहे यार। अरे जा रहे तो क्या लेट जाऊं क्या?